क्वेश्चन नंबर चार देखते हैं बच्चों। इन अ फैमिली द कंजप्शन ऑफ सीरियल्स एंड वेजिटेबल्स इज इन द रेशो 5:2। इफ द टोटल क्वांटिटी इज 35 kg, फाइंड द कंजप्शन ऑफ ईच। तो दो आइटम्स हैं, एक क्या है सीरियल्स हैं और दूसरा वेजिटेबल्स हैं, उनकी रेशो क्या है 5:2 है। तो जो रेशो है यहाँ पर हम देखते हैं कि रेशो जो सीरियल्स और वेजिटेबल्स हैं उनकी जो रेशो है वो कितनी है, 5:2 है, 5:2 है। तो हम टोटल क्वांटिटी निकाल लेते हैं कि लेट, तो इसको हम क्या करेंगे, एक मल्टीपल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर से, वो है x। तो उससे हमारे पास क्या आएगा, इसकी टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। लेट क्वांटिटी ऑफ सीरियल्स बी, उसको हम एक दोनों को एक जो वेरिएबल है x उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, इतने के जी आ जाएगी। क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल्स, क्योंकि जो वेजिटेबल्स हैं वो 5:2 में हैं, तो वेजिटेबल्स की जो क्वांटिटी आएगी वो 2x आएगी, तो ये 2x किलोग्राम आ जाएगा। और टोटल क्वांटिटी कितनी है, टोटल क्वांटिटी निकाल लेते हैं, टोटल क्वांटिटी भी 5x प्लस 2x इज इक्वल टू 7x के। अब कंपेयर कर लेते हैं, टोटल क्वांटिटी हमारे पास 7x हमने निकाल ली है और गिवन है 35, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 35/7, जब कटिंग करेंगे तो आप 5 आ जाएगा, x की वैल्यू 5 आई है, तो जो हमारा मल्टीपल फैक्टर्स यहाँ आएगा वो 5 आएगा। तो हम अब टोटल क्वांटिटी निकाल लेंगे, तो जो हमारे पास आएगा क्वांटिटी ऑफ सीरियल्स इज इक्वल टू, वो हमने 5x ली थी और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 किलोग्राम आ जाएगा। ऐसे ही क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल्स, जो क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल्स है वो कितनी थी 2x, तो इसको निकाल लेंगे 2 × 5 = 10 kg। तो इस प्रकार जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वो सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। डिवाइड 38 इंटू 2 पार्ट सच एज 1 part इज 18 मोर देन द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ द 2 parts। तो इसमें क्या है कि 38 को 2 parts में डिवाइड करना है, एक पार्ट क्या है दूसरे से 18 मोर है, तो लेट कर लेते हैं, लेट द स्मॉलर पार्ट, उसको मान लेते हैं x, लेट द स्मॉलर पार्ट बी एक्स, और जो ग्रेटर आएगा वो ग्रेटर पार्ट है वो 18 मोर देन द स्मॉलर है, तो x प्लस 18। अब एक नंबर ये है हमारे पास, एक ये है, जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा, तो अब इसको ऐड कर देते हैं, एडिंग बोथ पार्ट्स, दोनों पार्ट को ऐड करते हैं, x प्लस 18। तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा ये 2x प्लस 18, कंपेयरिंग, जब कंपेयर करेंगे ये भी हमारे पास टोटल पार्ट है और ये भी क्या है हमारे पास टोटल है 38। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन चुकी है,
इसको अब हम सोल्व कर लेंगे। 38 में से जब 18 को माइनस करेंगे, क्योंकि 18 इस तरफ आ जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर 20 आएगा और x इज इक्वल टू 20/2। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये 10 आ जाएगा। जो x की वैल्यू है वो आपके पास 10 आ जाएगी। अब आप नंबर्स निकाल सकते हो, स्मॉलर नंबर भी, स्मॉलर नंबर या स्मॉलर पार्ट इज वो आपका x था, और x की वैल्यू आपने क्या निकाल ली है, 10। और जो ग्रेटर है पार्ट इज वो आपका x प्लस 18 है, तो x की वैल्यू 10 और इसमें आपने 18 ऐड करना है, तो ये कितना आ जाएगा, 28। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5 मीटर। एक रेक्टेंगल है, उसकी जो लेंथ है 5 मीटर ग्रेटर देन इट्स ब्रेथ, ब्रेथ से जो लेंथ है वो 5 मीटर ज़्यादा है, एंड इट्स पेरीमीटर इज 250। और जो हमारे पास रेक्टेंगल दी है उसका पेरीमीटर कितना है, 250 है। तो आप जानते हैं कि ये अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल क्या है, ये इसकी एक लेंथ होगी और एक ब्रेथ होगी। तो जो ब्रेथ है वो हम अगर x मान लें तो जो उसकी लेंथ है वो x प्लस 5 हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि लेंथ हमें दिया हुआ है कि ब्रेथ से 5 मीटर ग्रेटर है। ये लेंथ है और ये क्या है, इसकी ब्रेथ है। तो लेट अज्यूम कर लेते हैं ब्रेथ को ही। क्वेश्चन नंबर 6, लेट द ब्रेथ एक्स, ये मीटर में है, तो लेंथ फाइव मीटर ग्रेटर है तो एक्स प्लस 5। फिर हमें इसका पेरीमीटर दिया है 250 मीटर, तो हम पेरीमीटर निकाल लेंगे। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 × L + B, और ये हमें दिया है 250 के। तो यहाँ पर 2 × करेंगे, L की वैल्यू आएगी x प्लस 5 और B की वैल्यू x 250। यहाँ पर इसको ऐड कर लेंगे 2x और ये 5 ऐसे ही रहेगा 250। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, 4x प्लस 5 × 2 = 10, 250 आएगा। अब इसको यहाँ सोल्व कर लेते हैं, जगह है हमारे पास इक्वेशन को। यहाँ पर आएगा 4x इज इक्वल टू 250, ये 10 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 240, और x इज इक्वल टू 240/4। कटिंग करेंगे 4 6, x की वैल्यू हमारे पास 60 आ जाएगी। अब हम लेंथ और ब्रेथ को निकाल लेंगे। ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स है, और एक्स की वैल्यू क्या है, 60, तो ये आ जाएगी 60 मीटर। और जो लेंथ है, लेंथ इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो ये आ जाएगी 60 + 5 इज इक्वल टू 65 मीटर। तो ये आपका आंसर है।